क्या हुआ कि थोड़ा दिक्कत है गले में, क्योंकि पहले मुझे खांसी जुकाम लगी थी, उसके बाद गले में दर्द, और कल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहा। तो अभी स्कूल से आ गया हूँ मैं घर, और अभी तक तबीयत एकदम सही नहीं हुई है। ये हमारा किचन, और यहाँ पे बन रहा है रोटी सब्जी। सब्जी तो आई थिंक बन चुकी है, ये पत्ते गोभी की। अभी नाइट का समय, आप देख सकते हैं कुछ कीड़े कीट पतंगों की आवाज़। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी के सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय निगी यूके 11। और दोस्तों, मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि थोड़ा दिक्कत है गले में, क्योंकि पहले मुझे खांसी जुकाम लगी थी, उसके बाद गले में दर्द, और कल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहा। और कल तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से तुरंत हॉस्पिटल से दवाई लानी पड़ी। और आजकल इस तरीके के वायरल फीवर वगैरह होते जरूर हैं, तो सावधानी से रहें। अभी जा रहा हूँ मैं विद्यालय की ओर। यहाँ पे है हमारी स्कूटी, और सामने का व्यू आप देखिए। बादल जरूर लगे हल्के फुल्के, कल रात को बारिश आई थी, लेकिन लगता है कि धीरे धीरे साफ हो जाएगा मौसम। दोस्तों, अभी स्कूल से आ गया हूँ मैं घर, और अभी तक तबीयत एकदम सही नहीं हुई है। खांसी जुखाम सर दर्द कल से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और दवाई लेके थोड़ा सा अंतर जरूर आया है, लेकिन अभी भी दिक्कत परेशानी तो हो ही रही है। तो अभी नाइट का समय हो चुका है, और अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज से वापस आया हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि थोड़ा तबीयत नासाज हो गई है, और अभी भी जो है बुखार, खांसी जुखाम, पूरे शरीर में जकड़न सी, थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आज स्कूल जाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुझे बुखार ही था स्कूल में भी, बट एनीवे। और अभी घर में डिनर की तैयारी चल रही है, और मेरी सिस्टर बना रही है डिनर। ये हमारा किचन, और यहाँ पे बन रहा है रोटी सब्जी। सब्जी तो आई थिंक बन चुकी है, ये पत्ते गोभी की। और यहाँ पे रोटी बनाई जा रही है। तो आजकल जो है घर में मेरी बहन बनाती है और मम्मी बनाती है खाना, क्योंकि मेरी वाइफ है अपने मायके में, और जब से हमारा छोटा बेबी भी हुआ तो हमने उनको वहीं शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पे क्योंकि मम्मी को भी कभी कुछ काम रहता है, और किसी काम से मम्मी को कभी इधर कभी उधर जाना पड़ता है, तो इस वजह से हमने वहाँ पर ही उस छोटे को शिफ्ट कर लिया है। फिर मेरी वाइफ के मायके वालों ने भी काफ़ी जोर किया कि बच्चे को हम फिलहाल वहीं ले जाते हैं, तो अभी वो फिलहाल वहीं रहेंगे, और शायद एक महीने बाद फिर इधर आना होगा। नामकरण भी बच्चे का उधर ही होना तय है कि उधर ही होगा अगले महीने। तो फिलहाल आजकल वाइफ वहीं है, और अभी मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था, और फिर शायद कुछ दिन बाद वहाँ जाऊँगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट देते रहें। अभी नाइट का समय, आप देख सकते हैं कुछ कीड़े कीट पतंगों की आवाज़। और सावन के महीने में वैसे भी एकदम अंधेरी रात होती है, चारों ओर अंधकार, और मौसम अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन बादल लगे थे कुछ समय पहले तक, तो शायद बारिश आ जाए शाम को, रात को यानी। दादी तो यहीं पे बैठी है बाहर पे ही, और यहाँ पे कुछ आग जलाई हुई है उपले वगैरह से, ताकि धुआं मच्छर ना आए। सो गाइज, अभी हुआ जस्ट हमारा डिनर, और डिनर के बाद अब है सोने की तैयारी। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
और पिछले एक दिन मतलब कल तो वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि थोड़ा तबीयत भी उस तरीके से अच्छी नहीं थी। लेकिन आगे से वीडियो रेगुलर बनने की कोशिश रहेगी। और आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।